हे गाइस, हम भावना, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में आई हैव सम मीशो प्रोडक्ट्स, सम रैंडम मीशो प्रोडक्ट्स लाइक ज्वेलरी, ऑर्गेनाइजर्स एंड मोर। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट एंड गाइस डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। गाइस, द फर्स्ट थिंग विच आई हैव इज दिस मेकअप ऑर्गेनाइजर। एज यू कैन सी, इट्स इन द ब्राउन कलर एंड काफ़ी स्पेशियस है ये। As you can see, like it has many pockets as well, like इन्होंने ऐसे दे रखी हैं, and has one zip also inside, and काफ़ी इसमें अच्छे से मेकअप आ जाता है, like for travel और आपका जो भी स्किन केयर या मेकअप रहता है काफ़ी अच्छे से इसमें आ जाता है। एंड इट्स फॉर लाइक 250 और 300 के अराउंड ये है। आई एल पिंग द प्राइस हेयर। इट लुक्स छोटू बट इट्स नॉट छोटू, काफ़ी अच्छे से इसमें सामान आ जाता है, लाइक मेकअप आ जाता है, और ये ऐसे बंद हो जाता है एंड इट्स लाइक दिस। क्वालिटी इज नाइस, नॉट बैड फॉर दिस प्राइस। आई थिंक इट्स फॉर लाइक 290, ठीक है। आई विल पिंग द प्राइस हेयर। या आई गेस तो ये 290 का आया था। आई गॉट वन मोर इन दिस, इन द कलर बेज, बट दिस इज द कलर जो मुझे ज़्यादा पसंद आया एंड इट्स अ वेरी नाइस कलर। सो या गाइज, फर्स्ट थिंग हमारी हो गई है ये मेकअप ऑर्गेनाइजर बैग, विच इज नाइस। सो या एंड आई हैव टू इन दिस बैग, लाइक इट्स ग्रेट फॉर ट्रैवलिंग। एंड कोई भी आप आस पास जगह जा रहे हो फॉर लाइक 2 डेज और 3 डेज, इट्स स्टोर योर मेकअप एंड स्किन केयर वेरी नाइसली। देन द सेकेंड थिंग विच आई हैव इज दिस इयररिंग्स सेट, एंड इट हैज 9 पेयर ऑफ इयररिंग्स, एंड द क्वालिटी इज अगेन सुपर। मतलब मेरे को तो बड़े ही पसंद आए थे इयररिंग्स, और इसमें से मैंने एक यूज किया हुआ है, अभी रिसेंटली मैंने यूज किया था। तो ये छोटू से, यू कैन सी इट्स वेरी क्यूट। आई लाइक छोटू छोटू, यू नो, इतने साइज के इयररिंग्स ही। अभी मैंने बहुत छोटे पहन रखे हैं तो मेरे को छोटे इयररिंग्स ही पसंद हैं, और इसमें सारे मोस्टली छोटे साइजेस ही हैं, ठीक है। यू कैन सी एंड दे आर वेरी नाइस। एंड आई गॉट दिस फॉर लाइक, सी इट्स वेरी क्यूट इजंट इट। सो आई गॉट दिस 9 पेयर्स ऑफ इयररिंग्स फॉर लाइक 150 और 160, विच इज नॉट बैड, राइट। एंड द क्वालिटी इज ग्रेट। आई मीन मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वालिटी से, क्योंकि ये बहुत ही क्यूट है यार, इतने छोटे छोटे इयररिंग्स ना, और 160 रुपीज के इज नॉट बैड एट ऑल। बहुत सारे हैं ऑल द मीशो पर, ऐसे आपको पेयर्स में जो मिल जाएंगे, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट साइजेस, स्टाइल्स भी अवेलेबल हैं मीशो पर। यू कैन चेक इट आउट। बहुत सारे सेलर्स बहुत सारे टाइप्स के सेल कर रहे हैं, बट दिस इज़ द वन विच आई थिंक आई लाइक द मोस्ट। एंड या दे आर वेरी क्यूट, प्लस द डिज़ाइंस आर वेरी नाइस एज यू कैन सी। एंड तीन ये ऐसे छोटे हैं, बाकी सारे लूप्स वाले हैं, पर्ल्स एंड द प्लेन वन। एंड या आई तो रियली लाइक इट, सो दैट्स वाई। एंड फॉर लाइक 160 इज नॉट बैड। थर्ड थिंग विच आई गॉट इज दिस बॉक्स लाइक ऑर्गेनाइजर्स। सो गाइज, इसमें ऐसे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं सो दैट आप अच्छे से इसमें चीज़ें अपनी लगा कर रख सकते हैं, लाइक नेल पेंस और सो मैनी थिंग्स। मैं यूजली अपने पेयर ऑफ सॉक्स वगैरह इसमें लगा कर रखती हूँ, और नेल पेंस वगैरह, सो दैट वो ऑर्गेनाइज रहती हैं। सो इसमें से कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं और बहुत इजीली से आप इसमें लगा सकते हो सामान। सो गाइज, ये 4 बॉक्सेस आए थे फॉर लाइक अराउंड 190, विच इज़ नॉट बैड। एंड द क्वालिटी इज़ नाइस, इट्स नॉट हल्का वाला प्लास्टिक। एंड या सो द थर्ड थिंग इज दिस। देन द फोर्थ थिंग विच आई गॉट इज वेरी रैंडम, इज दिस वाइट शर्ट। एंड
as you can see, it's like the material is like this. आप देख सकते हैं, सो द मटेरियल इज लाइक दिस एंड फुल स्लीव की शर्ट है ये, वाइट कलर की। कुछ कोई भी यू नो, आप टैंक टॉप वगैरह के साथ इसको पेयर करें, बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्मार्ट लगता है। सो या एंड आई गॉट दिस फॉर लाइक 150 और 200 अराउंड। हर चीज़ का प्राइस ऑफ कोर्स मैं यहाँ लिख दूंगी, बट द फैब्रिक इज नाइस। या एंड आपने मटेरियल तो देख लिया है कि कैसा है, दिस इज हाउ इट इज लुक। एंड या इट वॉज फॉर लाइक 150 और 200, इससे ज़्यादा की तो ये नहीं थी, इतने की ये थी। सो या फोर्थ थिंग हमारी हो गई है वो। सो गाइज द फिफ्थ थिंग आई गॉट इज दिस रोटेटिंग ऑर्गेनाइजर, एंड इट इज़ फॉर लाइक 99 रुपीज, विच इज ग्रेट फॉर दिस थिंग। आई मीन इट्स वेरी मज़ेदार थिंग। ऐसे मैं इसको घुमाती रहती पूरा टाइम। मतलब इसमें यू नो, आप अपना स्किन केयर भी स्टोर कर सकते हैं, आप अपने किचन में भी इसको रख सकते हैं, इसको अपने स्पाइसेस रख सकते हैं, इसमें बहुत कुछ आप रख सकते हैं। मैं यूजली अपनी स्किन केयर या अपनी हेयर सीरीज में रखती हूँ, अदरवाइज तो मैं इसको ऐसे घुमाती रहती हूँ। इग्नोर माई स्टुपिडिटी, ओके। सो या दिस इज़ फॉर लाइक 99 रुपीज़, एंड द क्वालिटी इज अगेन वेरी नाइस, एंड इट्स नाइस फॉर दिस प्राइस। एंड द गाइस क्वालिटी क्वालिटी की बात करते हैं, स्टुपिडिटी कम करते हैं। सो द क्वालिटी इज नाइस। आई मीन या आई मीन ये रोटेटिंग वाला भी अच्छा है, यू नो इट्स नॉट लाइक कि ये अटक रहा है या वटक रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे से यू नो एज यू कैन सी ये रोटेट हो रहा है। सो या आप इसको कहीं पे भी फ्लैट सरफेस पर रख दो, और फिर अपना स्किन केयर या कुछ भी, आप अपने किचन में भी इसको रख सकते हैं, अपने स्पाइसीज वगैरह, सो दैट आपको आसानी से वो मिल जाए उसके लिए। तो मुझे ये बड़ा ही सही लगा था, एंड फॉर लाइक 99 रुपीज़, विच इज़ नॉट बैड। सो या फिफ्थ थिंग हमारी थी ये रोटेटिंग ऑर्गेनाइजर। ओके, कितनी चीज़ें हो गई गाइस? फिफ्थ चीज़ थी ना हमारी ये, राइट। सो देन सिक्स्थ व्हिच आई हैव इज दिस नेल्स। नेल्स मैंने गाइस इसकी प्रॉपर एक वीडियो भी बनाई है कि ये कैसे लग रहे हैं। आई विल पिंग द वीडियो हेयर, प्लीज देखना और उस व्हाट्सएप पे आ देना। सो दीज नेल्स आर वेरी नाइस, एंड आई गॉट दिस फॉर लाइक 150 और 200। मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ, बट हाँ हर चीज़ के मैं प्राइस यहाँ दे दूंगी, तो आप देख लेना। सो बट द क्वालिटी इज़ वेरी नाइस। आई मीन मीशो पर ऑल्दो तो बहुत सारे नेल्स हैं जो आपको मिल जाएंगे, बट मेरे को ये बहुत ही यू नो सटल और मेरे टाइप का ये लगा था, तो इसलिए इट्स वेरी नाइस, इट्स क्यूट। मेरा फिर से क्यूट क्यूट स्टार्ट हो गया है, आपको मेरी हर हॉल वीडियो में कुछ ना कुछ क्यूट तो मिल ही जाएगा। सो या दिस इज माय टाइप, एंड या इट्स फॉर लाइक 150 200। सो देन द 1 2 3 4 5 6 7 एट सेवेंथ चीज आएगी ना, यस या सेवेंथ, सॉरी गाइज मैथ थोड़ी कमजोर हो गई है। सो द सेवेंथ थिंग विच आई हैव इज दिस वॉश बैग। सो गाइज इसमें आते हैं 3 साइजेस, दिस इज द मीडियम साइज, एंड से एक लार्ज साइज भी होता है, एंड इससे एक और छोटू बैग भी होता है। एंड आई विल पुट द क्लिप हेयर, ओके। एंड द क्वालिटी इज अगेन नाइस। कुछ कुछ एक बार मैंने एक मंगवा लिया था तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। कुछ सेलर्स ऐसे हैं जिनके पास आपको क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी, बट इस वाले की क्वालिटी इज नाइस। लाइक जो ये रबड़ मटेरियल है ये भी बहुत अच्छा है, एंड द जिप क्वालिटी इज ऑल्सो नाइस, एंड द फैब्रिक इसका जो है ये ऑल्सो नाइस, इट्स नॉट बैड। एक बार मैंने एक सेलर से मंगवा लिया था, वो तो बहुत ही बकवास था, बट ये वाला इज नाइस। मतलब इट्स नाइस, इसमें काफ़ी सामान अच्छे से आ जाता है, लाइक माई हेयर एक्सेसरीज, मैं अपनी हेयर एक्सेसरीज और इवन मेकअप, इवन बहुत कुछ भी आप यू नो इसमें रख सकते हैं। मेरी आराम से इसमें स्किन केयर की बॉटल्स इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, वो आराम से इसमें फिट हो जाती हैं, और बहुत ही यू नो
कॉम्पैक्ट सा हो जाता है, बहुत कम जगह लेता है फिर, और बहुत ही अच्छे से आप अपना सामान मैनेज करके रख सकते हैं। एक में आपने स्किन केयर डाल दी, एक में आपने बॉडी केयर डाल दी, आप अच्छे से उनको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। दो में मेरा सामान पड़ा हुआ है, तो गाइज इसलिए मैंने आपको एक ये बस मिडल वाला दिखाया। दिस इज द मिडल साइज, इससे एक बड़ा साइज होता है। मैं यहाँ पर इन तीनों की क्लिप्स डाल दूंगी, सो डू नॉट वरी। सो गाइज दिस इज फॉर लाइक 250 और 300 अगेन, बट फॉर द प्राइस वाइज इट्स नाइस। अगर आप यू नो नॉर्मल मार्केट से लेने जाएंगे तो वो एक सिर्फ सिंगल पीस आपको 300-500 का देते हैं। ऑफकोर्स क्वालिटी का फर्क होता है, बट इन वालों की क्वालिटी इज नाइस। जैसे मैंने बताया कि मैंने प्रीवियसली मंगवाया था एक, तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया था। फिर मैंने दूसरे सेलर से मंगवाया जिसकी क्वालिटी अच्छी है। एंड ऑफकोर्स गाइज मैं बहुत टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ, तो उसके बाद ही मैं कुछ रिव्यू कर रही हूँ। मेरा रिव्यू आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो अच्छी नहीं है, ठीक है? हर चीज़ अच्छी है, मैं तभी उसका रिव्यू कर रही हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करती। सो दिस इज़ नाइस एंड यू कैन परचेज। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इफ़ इन केस यू वॉन्ट तो आप चेक कर सकते हैं। देन गाइज जो लास्ट चीज़ है इस हॉल में वो है ये मल्टी कलर ऑर्गेनाइजर। इसके ड्रॉर्स आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े, मतलब इनकी काफ़ी अच्छा साइज़ है, डेप्थ इनकी काफ़ी अच्छी है। और ये फाइव मल्टी कलर्स के ये स्टोरेज बॉक्सेस हैं। इसमें डिफरेंट कलर्स भी अवेलेबल हैं। ऑल्दो गाइज इसका प्राइस थोड़ा बढ़ गया है, इट्स अ डिस्क्लेमर। सो आई गॉट दिस फॉर लाइक 400 समथिंग रुपीज़, बट अब ये कुछ सेलर्स के पास सो मच डिमांड में ही हो गया था, तो उसकी वजह से लोगों ने इसका प्राइस बढ़ा दिया है। एंड इसको मतलब कुछ कुछ ने 1K प्लस, कुछ कुछ ने 500 प्लस ऐसे कर दिया है। सो यू नो डू चेक, मतलब आप लोग चेक करते रहो। समटाइम्स ऐसा होता है वो आपको बहुत कम प्राइस में मिल जाता है, तो मेरे को तो ये 400 में मिला था। अभी रिसेंटली इसका प्राइस जिससे मैंने मंगवाया था उसने 800 समथिंग का कर दिया है। बट गाइज कुछ और सेलर्स भी हैं जो इसको और कम प्राइस में दे रहे हैं। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप चेक कर लेना इन केस आपको चाहिए हो तो। और गाइज अगर आप लोग को है कि मल्टी कलर थोड़ा वियर लगता है या कुछ, तो इसमें और कलर्स भी अवेलेबल हैं जो कि थोड़े महंगे हैं ऑफकोर्स, लाइक 1K प्लस हैं, बट आप चेक कर सकते हो। ऑल्दो मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है मल्टी कलर से, बिकॉज इट इज़ स्टोरिंग माई लॉट ऑफ सामान। ओके, लाइक इन बॉक्सेज में मेरी बहुत सारी एक्सेसरीज, ज्वेलरी, मेकअप, बहुत कुछ पड़ा हुआ है। ऑलमोस्ट सामान इनमें है और बहुत अच्छे से आया हुआ है। फॉर दैट प्राइस मेरे को ये बुरा नहीं लगा था। सारे सेलर्स रहते हैं मीशो पर, अगर आपको पता हो तो, कि जो सेम प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर सेल करते हैं, राइट? सो मेक श्योर टू चेक आउट कि आपको किस में कैसा प्रोडक्ट मिल रहा है। समटाइम्स क्या होता है, कुछ सेलर्स क्वालिटी अच्छी दे रहे होते हैं इसलिए वो प्राइस ज़्यादा देते हैं। सो गाइज फॉर लाइक 400 रुपीज़ इसकी क्वालिटी इज़ नाइस। इसमें काफ़ी मतलब बॉक्स का यू नो मटीरियल इज़ नॉट दैट बैड। स्टार्टिंग में मुझे लगा था यार कि कहीं बहुत चीप ना हो या कुछ, क्योंकि मार्केट में इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा था। मतलब ऑफकोर्स आई वेन आई कंपेयर्ड कि भाई मार्केट में इतना महंगा क्यों मिल रहा है और मीशो पर इतना सस्ता कैसे, ठीक है? तो आई थॉट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी, बट इसकी क्वालिटी इज़ नाइस फॉर दिस प्राइस आई मस्ट से। मतलब इट्स नॉट लाइक चीप चीप वाला मटेरियल, इट मटेरियल इज़ नाइस। एंड गाइस एक कोने में ये पड़ा रहता है बिकॉज इसमें सिर्फ मेरा सामान है। ऑफ कोर्स मैं ज्वेलरी, माई एक्सेसरीज, जो भी मेरा एक्स्ट्रा यू नो सामान रहता है, राइट? सो आई डोंट माइंड दिस मल्टी कलर्स का कलर। सो या गाइज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। एंड आई रियली लव दिस हॉल प्लस रिव्यू वीडियोज। सो आई थॉट मेरे पास काफ़ी अभी रिसेंट सामान था, तो आई थॉट वाई नॉट टू मेक अ वीडियो, तो मैंने बना लिया है। आपको कुछ भी पसंद आता है तो मैं हर चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। और आपको कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप मुझसे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, राइट? सो ऑफ कोर्स आई विल हेल्प यू आउट विद दैट। सो आप इसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी। और अदरवाइज मैं हर चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और गाइज एज आई हैव टोल्ड यू, मीशो के प्राइजेस ऊपर नीचे होते रहते हैं। जो भी मैंने इस वीडियोज़ में प्राइस बताए हैं उन प्राइजेस में मैंने इन सामान को मंगवाया है, और ऑफकोर्स प्राइजेस अप डाउन होते रहते हैं। सो डू चेक इट, और आप अदर सेलर्स पर भी चेक कर सकते हैं। हो सकता है कभी आपको
ज्यादा का मिल जाए, कुछ हो सकता है कभी आपको कुछ कम का मिल जाए। बट या जो भी मैंने सारा कुछ मैंने अभी बट इस वीडियो में दिखाया उन सबकी क्वालिटी इज वेरी नाइस, लाइक फ्रॉम द बैग, वॉश बैग, ऑर्गेनाइजर बॉक्स, एवरीथिंग वॉज ग्रेट फॉर दैट प्राइस। एंड या डू चेक इट आउट। और गाइज, आपको इस हॉल में सबसे अच्छा क्या लगा उसको प्लीज कमेंट करना वीडियो में, लाइक इन 8 चीज़ों में से आपको सबसे अच्छा क्या लगा। ओके, तो मेरा माइन फेवरेट इज द इयररिंग्स, एंड डू कमेंट योर फेवरेट वन इयररिंग्स एंड द दैट रोटेटिंग वाला ऑर्गेनाइजर, बिकॉज मेरे को बड़ा मजा आता है उसको ऐसे रोटेट करने में। सो गाइज, मैंने बहुत अपनी बड़बड़ कर ली है, थैंक्स फॉर बियर विद मी अगर आपने अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू कमेंट योर फेवरेट प्रोडक्ट इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू हियर योर वर्ड्स। एंड या बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड गाइज, और भी पार्ट्स आएंगे इस मीशो होल के, सो स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।